रतलाम जिले के अध्यक्ष राजेश भरवा एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ के खिलाफ अब कांग्रेसियों का खुलकर विरोध सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन के पश्चात लगातार इन दोनों नेताओं पर कांग्रेसियों के द्वारा गुटबाजी को हवा देना एवं उभरते कांग्रेसियों को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। जब जिला पंचायत में अध्यक्ष थे, दवे साहब मंत्री था, जब से मैं राधे श्याम जी परिहार के यहाँ बैठ कर चाय नाश्ता करना, कांग्रेस का कार्यक्रम का जो भी कुछ करना, ये पुराने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, तो इनके यहाँ ऐसी घटना क्यों हुई? हम सब मिलकर भोपाल जाएंगे और अगर ऐसा हो सकता कार्रवाई हो जाए, इनके जो FRI कटी है तो वो वापिस लौटा दे तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर भोपाल जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से फैसला कराएंगे। धन्यवाद सर। मेरा ये कहना है कि नामली नगर में है और अगर विगत में 25 साल से मेरी दुकान चला रहा हूँ और संपूर्ण क्षेत्र में हम इस चीज़ को देख रहे हैं, कहीं ऐसी जिले भर में कार्रवाई नहीं हुई। नामली नगर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई? आज हमारे साथ में मेरे पिता सन 1970 से कांग्रेस की सेवा करें, लक्ष्मी खराड़ी देवी खराड़ी जी विधायक महोदय, प्रभु सेठ जी राय पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय, चंद्र जी शक्कर जी, सब लोग, पूरा क्षेत्र नामली का एक एक 52 गांव का एक एक बच्चा बच्चा कह सकता है कि मेरा परिवार किस प्रकार से निष्ठावान और किस ईमानदारी के साथ में व्यापार व्यवसाय करता है। इतने लोग, इतने रतलाम में जिले में दुकानें हैं, मेरे एक नाम कैसे आया, क्यों आया, किस प्रकार से आया? क्योंकि व्यक्तिगत द्वेषता के अंतर ये काम हुआ, क्योंकि मैं चुनाव के अंदर मैं भी लड़ा, ये भी लड़े, व्यक्तिगत द्वेषता के अंदर हमारा अध्यक्ष जी ने काम करवाया है। ये मेरा आरोप है, इसमें मेरा आरोप है इसके ऊपर कि ये जो है व्यक्तिगत द्वेषता मेरे साथ में निकाली गई है। मेरा पूरे रतलाम जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरे छवि है, सब लोग मुझे जानते परिवार का, दबे साहब वगैरह के साथ काम किया मैंने, ये जो है मेरे ऊपर लगाया, मुझे लांछन है। मुझे इस बात का दुख है कि मुझे इतने कर्मनिष्ठ और नगर पालिका चलाए पंचायत चलाए, 4 पैसे का दामन पर दाग नहीं, और आज इनके लोगों के दामन पर दाग है, वे नेता बन के बैठे हैं।